डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। हेलो, मिथिलेश बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। मेहंदी लगाते हैं ना? एक्चुअली लगाता था, तो अभी तो मेरे अंडर में लोग आ गए हैं तो वो चले जाते हैं, फिर कभी कभार मैं भी चला जाता हूँ। हमारी बहन की शादी है। अच्छा। और 11 भाइयों के बीच में एक ही बहन है। अच्छा। बड़े नाजों से पाला हमने, तो हम चाहते कि उसके हाथों की मेहंदी बस आप ही रचाएं। आप तारीख हमको तय कर दीजिए, हम उस हिसाब से चले जाएं। नहीं, पहले कुछ जरूरी बातें थी वो कर लेनी थी। ऐसा है कि देखिए, हमारी बहन का एक प्रेमी था जिसका नाम था सूरज। अच्छा। हमारी बहन चाहती है कि उसके हाथ में जो मेहंदी लगे उसमें उसके पुराने प्रेमी सूरज का कहीं नाम रहे, लेकिन ये बात सिर्फ आपके और हमारे बीच में रहेगी। देखिए, तीसरे इंसान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तीसरे तक पहुंची तो आदमी हम लोग खतरनाक है। अच्छा। समझ रहे हैं मिथिलेश जी? ठीक है, हम करवा लेंगे, कोई बात नहीं। आप सूरज लिखेंगे या सूरज बना देंगे? सूरज आकार में कुछ बना देंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बात आप तक और हमारे तक रहेगी, क्योंकि आदमी हम लोग बहुत खतरनाक है। नहीं, आप भैया हमसे भरोसा रख सकते हैं, मतलब आपने हमको बोल दिया, क्योंकि देखिए ये हमारे बहन की इज्जत की बात है। हां जी, हां जी, ठीक है, हो जाएगा काम भैया, वो आप मतलब इतने ध्यान रखिए। देखिए, अगर जरा सी भी बाहर भनक पड़ी किसी को तो आदमी हम लोग समझ गए। ठीक है, ये बात आपने तक ही रहेगी, आर पार नहीं होगी। हेलो, एक बात बताइए। हाँ जी, आपके पास में किसी का फोन आया था अभी, आपको बोल रहे थे कि हाथ में मेहंदी लगाना उनकी बहन का। नहीं, ऐसा तो कोई फोन नहीं आया। कंटाप लगाएंगे बहुत ज्यादा, हम बता रहे हैं आपको। फोन आया आपके पास में और आपको बोला है कि उसमें लड़की के पुराने प्रेमी का नाम लिख देना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई फोन तो आया नहीं है मुझे, मैं तो। देखिए, आप जानते नहीं, हम लोग आदमी बहुत खतरनाक है, घर में घुस करके मिथिलेश गुप्ता बहुत खराब हाल करेंगे, सच सच बोल दो हमको। ए चुप बैठा रे, तमंचा निकाल रहे, इसका घर चलते रहे है, घर में जाकर उठा करके ले आएंगे, मजाक समझ रहे हो? कट्टा ले भैया, एक फोन तो आया था। क्या बोल रहा था? सूरज कोई नाम वो कार में लिख देने बोल रहे थे बस। तुमको मालूम हम कौन बोल रहे हैं? तो हम लड़की का भाई बोल रहे हैं, हम चेक कर रहे थे, पता लगा रहे थे कि तुम साला नाम बता देते हो या नहीं। ऐसा फट्टू आदमी हम नहीं देखे मिथिलेश गुप्ता, तुम नाम बता दिए तुरंत सूरज। हमारी बहन का तो पूरा इज्जत का फालूदा बना दोगे तुम, कल को कोई तुम्हारा कनपट्टी पे बंदूक रखे तुम बोल दोगे सूरज का आकार का वो बनाए थे। अब भैया वो हाँ? बताएं, तुम बताने लायक बचोगे नहीं, हम तुमको बता रहे हैं। गणपट्टी के बात कर रहे हैं तो हम गणपट्टी तो आप तुम देखोगे, माना घर है ना इधर में बंदर पट्टी में, गाड़ी निकाल इसका घर पे जाकर इसको उठा करके लाएंगे, मेरा बहन का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। भैया गलती हो गया, भैया आप ही का आदमी हो, माफ कर दीजिए भैया। हमारा आदमी है, सबका घर को, घर के सब जनों को हम मेहंदी लगा देंगे, आप फ्री में कर देंगे, हम बहन बहन का भी लगा देंगे मेहंदी, कोई पैसा नहीं लेंगे, हमको माफ कर दीजिए। पक्का तो पैसा नहीं लेगा तो? नहीं बिल्कुल नहीं लेंगे भैया, आप मुझे मेरा जान बख्श दीजिए भैया। मिथिलेश गुप्ता जी। हाँ जी भैया। आप तो इतना रेडियो सुनते पहचान कैसे नहीं पाए, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और मुर्गा बनाया जा रहा था आपका। प्रवीण जी। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है, कॉल करो 6793593 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, रेड मुर्गा की पागलपंथी फिर से सुननी है, देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रेड एफएम इंडिया ऐप एंड हियर इट अगेन।